नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो लगातार जो है कोरोना के मामलों की जो है संख्या दिन ब दिन जो है आती रहती है, और पहले जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था कि कोरोना जो है किस तरीके से पीक पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। अब उसी में बात की जाए कल की, तो जम्मू कश्मीर में ये देखने को मिला है कि कोरोना के अब मामले जो है बिल्कुल कम होते हुए नज़र आ रहे हैं, और कठुआ एक ऐसा ज़िला रहा है जो कोरोना मुक्त हो चुका है पूरे तरीके से। तो जहां तीसरी लहर की बात की जा रही थी, तो अब एक खुशखबरी है कि कठुआ जो है पूरा तरीके से जो है कोरोना मुक्त हो चुका है। एक भी केस जो है कठुआ में नहीं देखने को मिला है, जो एक अच्छी बात है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो कुल मिलाकर जो है 1286 केसेस जो है अभी एक्टिव चल रहे हैं, और इनमें से अगर कल की बात की जाए तो 93 केसेस ऐसे रहे हैं जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिले हैं, जिसमें से 20 केसेस की अगर बात की जाए तो जम्मू से देखने को मिले थे, और उसी के साथ 73 केसेस जो है कश्मीर से देखने को मिले थे। तो अगर बात की जाए आंकड़ों की तो एकदम जो है गिरावट देखने को मिली है, और एक अच्छी खबर जो है देखने को मिल सकती है। लगातार जिस तरीके से मामले काफी पिछले हफ्तों में बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, अब उसमें जो है काफी ज्यादा जो है संख्या गिरती हुई देखी है, और कठुआ जो है पूरे तरीके से कोरोना मुक्त देखा है। आपको बता दें कि जम्मू में अगर बात की जाए तो रियासी, रामबन, कठुआ, सांबा में जो है कल एक भी केस नहीं सामने नजर आया, जो एक बहुत अच्छी बात देखने को मिलती है, क्योंकि लगातार तीसरी लहर पर जिस तरीके से जोर दिया जाता है, और प्रशासन की बात की जाए और एक आम जनता जिस तरीके से तीसरी लहर से लड़ने पे जो पूरे तरीके से काम कर रही है, चाहे गाइडलाइंस की बात की जाए चाहे प्रोटोकॉल्स की बात की जाए, तो अब वो कहीं ना कहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है, और केसेस जिस तरीके से कम नजर आ रहे हैं, तो ये भी देखने को मिलता है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो तीसरी लहर से पूरे तरीके से लड़ने के लिए जो है तैयार है, और कठुआ जो है पूरे तरीके से कोरोना मुक्त दिखता हुआ नजर आ रहा है। राजौरी, पुंछ और उधमपुर की अगर बात की जाए तो एक एक केस जो है वहां से देखने को मिला है, राजौरी, पुंछ और कठुआ उधमपुर से। जम्मू की बात की जाए तो जम्मू में जो है दो केसेस कल देखने को मिले हैं। इसी के साथ किश्तवाड़ की अगर बात की जाए तो किश्तवाड़ में 3 केसेस देखने को मिले हैं। डोडा में कल सबसे ज्यादा केसेस देखने को मिले हैं, 12 जो है आंकड़ा रहा है डोडा की तरफ से अगर कोरोना केसेस की बात की जाए। और इसी के साथ कश्मीर में अगर बात की जाए तो कश्मीर में अभी भी काफी ज्यादा जो है आंकड़ा ज्यादा दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जहां पर लेकिन पहले 300 से 400 से ज्यादा जो है केसेस देखने को मिलते थे, अब वहां पर जो है 73 केसेस जो है कश्मीर की तरफ से निकलते हुए सामने आ रहे हैं। और श्रीनगर में जो है फिलहाल सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिल रहे हैं, 41 केसेस की अगर बात की जाए तो श्रीनगर से सामने नज़र आ रहे हैं। शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, गांधरबल से बात की जाए तो वहां पर भी कल एक भी केस नहीं देखने को मिला है, और इसमें सबसे अच्छी बड़ी बात जो है सामने निकल कर आ रही है कि एक भी जो है डेथ केस नहीं देखने को मिला है जो कोरोना संक्रमित होने की वजह से सामने आया हो। पूरे जम्मू कश्मीर में एक भी डेथ केस सामने नज़र नहीं आया। और J&K की वैक्सीनेशन ड्राइव की बात की जाए तो लगातार जो है अभी भी जोर दिया जा रहा है, डोजेस को जो है बढ़ा दिया गया है कि जल्द से जल्द जो है जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग हैं वैक्सीन उनकी तरफ जो है प्रोवाइड हो सके। अलग अलग मुहिम जो है चलाई जा रही है, चाहे हेल्थ सेंटर के वर्कर्स जो हैं दूर दराज के इलाके जो वैक्सीनेशन जहां तक नहीं पहुंच सकती वहां पर जो है पहुंच रहे हैं, घर घर जाकर जो है वैक्सीनेशन ड्राइव कर रहे हैं। उसमें भी अगर बात की जाए तो 84.49 जो लाख जो है लोग अभी तक जम्मू कश्मीर के वैक्सीन जो है ले चुके है, और एक अच्छा आंकड़ा जो है दिखता हुआ नजर आ रहा है। 100% जो है आंकड़ा कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ जम्मू कश्मीर में वैक्सीनेशन को भी लेकर सामने नजर आ रहा है। तो एक अच्छी खुशखबरी की अगर बात की जाती है, क्योंकि लगातार कोरोना की नई गाइडलाइंस और प्रोटोकॉल्स की हमेशा बात की जाती है और कहा जाता है कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरे तरीके से पालन करें, लेकिन इस तरीके से जब खुशखबरी जब सामने आती है कि कठुआ जो है अब कोरोना मुक्त दिखता हुआ नजर आया है, तो कहीं ना कहीं जनता और प्रशासन का साथ जो है एक साथ देखने को मिलता है, और एक अच्छी बात जो है सामने निकल कर आती है कि तीसरी लहर का जिस तरीके से प्रकोप की बात की जाती है तो अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर की जनता और प्रशासन जो है एक साथ मिलकर तीसरी लहर से लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है, क्योंकि आंकड़े जो है अब कम दिखते हुए नजर आ रहे हैं, और काफ़ी सारे ज़िले ऐसे भी दिखते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ पर एक भी केस जो है नहीं सामने आया है। फिलहाल के लिए यही अपडेट आ रहा था, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।